हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, बहुत बार हमारे मोटरसाइकिल या स्कूटर में जर का प्रॉब्लम आ जाता है। जर का प्रॉब्लम मतलब कि कभी कभी अगर आपके मोटरसाइकिल में रिजर्व लगता है, पेट्रोल अगर रिजर्व में आ जाता है फ्यूल, तो एक झटके टाइप के लेने लगती है। मतलब जैसे लगता है कि बंद होने वाली है आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटर, उस टाइप का जो फीलिंग आता है वो झटके लेना, उसे मैं बोल रहा हूँ जर्क। तो ये बहुत कारण से होता है, और ये तब होता है जब आपके इंजन को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा है, या प्रॉपर आपका स्पार्क सही टाइम पे नहीं हो रहा है, तो इस वजह से होता है। और कभी कभी ये वायरिंग कनेक्शन से भी होता है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में आता है, तो सबसे पहले आप उसके स्पार्क प्लग को चेक कीजिए, उसके गैप को चेक कीजिए। अगर स्पार्क प्लग बहुत ओल्ड हो गया है, वियर हो गया है, तो उसे रिप्लेसिंग कर दीजिए। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, 60 रुपीज़ 80 रुपीज़ का आता है स्पार्क प्लग, आप उसे रिप्लेस कीजिए। बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अपने कार्बोरेटर को, अगर कार्बोरेटर वाला है तो जनरली ये प्रॉब्लम कार्बोरेटर में ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर को क्लीन कीजिए, सारे जेट्स को अच्छे से क्लीन कीजिए, जेट क्लॉग नहीं होना चाहिए, सारा कुछ आप चेक कीजिए, अच्छे से इसे क्लीन कीजिए। बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व अगर नहीं होता है, तो आपको फिर कॉयल्स को देखना है, अपने पिकअप कॉयल को, सीडीआई को, सारा कुछ आपको देखना है कि पिकअप कॉयल ठीक है कि नहीं, सीडीआई ठीक है कि नहीं। अगर किसी दोस्त के पास सेम मोटरसाइकिल है, तो उसका सीडीआई आप लगा के देखिए। बहुत बार मैंने देखा है पुराने मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में सीडीआई का प्रॉब्लम आ जाता है। एक्चुअली सीडीआई जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट बहुत अगर ओल्ड है, 10 इयर्स 15 इयर्स, तो उस समय प्रॉब्लम आता है। तो मैंने बहुत सारे मोटरसाइकिल्स और स्कूटर में देखा है। एक बार मैं वीडियो भी बनाया था, एक बजाज लीजेंड था और 4 स्ट्रोक चैम्पियन, तो मैंने इंटरचेंज करके देखा था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, तो उसका भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप कॉयल्स को चेक कीजिए। बट सपोज आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने स्पार्क प्लग देख लिया, आपने कार्बोरेटर देख लिया, आपने सारे कॉयल्स को चेक कर लिया, बट फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, फ्लोट को मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये सब आपको। ये देखिए, यहाँ पे जो हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर जो सेट करते हैं, ये जो मिक्सचर स्क्रू है, ये जो होता है, ये आपका जो पायलट जेट होता है, ठीक है, जो आइडलिंग में हेल्प करता है, ये पायलट जेट के लिए होता है, ठीक है। जब ये स्लाइड कंप्लीटली क्लोज रहता है, ये देखिए कंप्लीटली क्लोज है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, तब यहाँ से जो एयर फिल मिक्सर आता है, उसे पे आपका जो मोटरसाइकिल स्कूटर है वो आइडल करता है। तो ये जो हमने सेटिंग किया है, ये हमने पायलट जेट का किया, हमने मेन जेट का नहीं किया है। ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये है आपका मेन जेट, इसका हमने सेटिंग नहीं किया है, ठीक है। तो वर्स केस में जब आपने सब कुछ चेक करके देख लिया है और फिर भी वो प्रॉब्लम आपका नहीं जा रहा है, आपने देख लिया है कि ये जितना भी इसका होल्स है, जितना भी जेट है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप लास्ट में एक काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी क्लीन है और ये भी इसका क्लीन है, बहुत छोटा सा होता है, ये देखिए सब कुछ क्लीन है। देखिए, छोटा छोटा होल्स होता है, बहुत सारा मल्टीपल, सारा क्लीन है, फिर भी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ये जो इसका स्लाइड है, इसे आप बाहर निकालिए। ये देखिए, स्लाइड एक्सलेटर केबल से जुड़ा रहता है, और जब आप एक्सलेटर लेते हैं तो ये इस तरह से बाहर आता है, और ये इस तरह से जब छोड़ते हैं तो अंदर जाता है, इस तरह से जूम 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 इस तरह से करता है ये। जब आप एक्सलेटर लेते हैं ये तो बाहर आता है, और जब छोड़ते हैं तो ये इस तरह से आता है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे स्लाइड को आप बाहर निकालिए, ये स्लाइड आपका बाहर आ जाएगा, ये देखिए इसमें एक्सलेटर केबल अटैच रहता है। और ये जो आपको निडल दिख रहा है, ये टैपर्ड है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मोटा है और यहाँ पे ये आपका पतला है, ठीक है। तो होता क्या है, ये आपका जो मेन जेट है, इसमें इस तरह से ये रहता है, ये देखिए, ठीक है। जब आप एक्सलेटर छोड़ते हैं, आइडलिंग पे रहता है, तो ये इस तरह से रहता है, यहाँ से कोई भी आपका फ्यूल का स्प्रे नहीं होता है,
बट जैसे ही ये आप एक्सलेटर देते हैं, ये देखिए इसका होल जो है, ये देखिए यहाँ पे ये जो होल है ये पहले तो ब्लॉक्ड रहता है, यहाँ पे देखिए ब्लॉक्ड है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। बट जैसे जैसे ये बाहर आता है, ये देखिए इसका होल आपका खुलता जाता है, बड़ा होते जाता है, और जब यहाँ पे सबसे छोटा पार्ट आता है यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए इसका साइज कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो आपका टैपर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे जैसे ये बाहर आता है फ्यूल जो निकल रहा है मिस्ट के फॉर्म में वो बढ़ता जाता है, और ये लास्ट में सबसे ज़्यादा हो जाता है, ये देखिए सबसे ज़्यादा इस तरह से हो जाता है। तो ये जो इसका जो टैपर्ड स्ट्रक्चर है वो रेशियो डिफाइन करता है कि किस पोजीशन पे कितना फ्यूल बाहर आना है। बट सपोज आपने इंजन का रिबोरिंग कराया है या कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया है और आपका मोटरसाइकिल या स्कूटर झटके ले रही है, तो आप एक काम कीजिए कि एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, इसे आप बाहर निकालिए, इसकी निडल को इस तरह से आप प्रेस कीजिए, अलग अलग मोटरसाइकिल स्कूटर में अलग अलग रहता है, ये देखिए इसे आप बाहर निकालिए इस तरह से, और यहाँ पे देखिए क्लिप लगा रहता है, ये देखिए यहाँ पे एक क्लिप लगा रहता है इस तरह से, और ये आपका नीडल है टैपर टाइप का। तो यहाँ पे जनरली जो फैक्ट्री से सेटिंग आता है टोटल जनरली 5 स्लॉट्स बना रहता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्लॉट्स बना हुआ रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे यहाँ से हटा करके, ये देखिए थर्ड पे है, ठीक है थर्ड पे ये सेंटर में रहता है जनरली फैक्ट्री का सेटिंग, तो यहाँ से आप इसे निकालिए, बहुत ही केयरफुली आपको इसे निकालना है, ठीक है बहुत ही केयरफुली, कभी कभी आपके हाथ से आपको नहीं निकलेगा ये, तो आप एक प्लेयर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इसे प्यार से निकालिए, बड़ा प्यार से, और इसको एक स्टेप, ये देखिए थर्ड में था तो मैं क्या कर रहा हूँ फोर्थ में से लगा दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने फोर्थ में से लगा दिया, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, मैंने थर्ड से निकाला और मैंने इसे फोर्थ में डाल दिया, और उसके बाद हमने इसे जैसे निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह इसे हम लोग फिट कर देंगे। जैसे हमने इसे निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह इसे हम लोग इंसर्ट कर देंगे अपने जगह पे, ये आ गया अपने जगह पे, और उसके बाद आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, लगा करके देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ये रेशियो को चेंज कर देता है। और ये जब आप करें तो उसके बाद आप इसका भी जो पायलट जेट है उसका भी एक बार आप सेटिंग कर लीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि इसका सेटिंग कैसे करते हैं, तो पहले इसका आप सेटिंग कर लीजिए मेन जेट का सेटिंग, और उसके बाद आप पायलट जेट का इंजन ऑन करके हाई आरपीएम पे वहाँ पे सेट करके आप इसे सेट कर लीजिए, और उसके बाद ड्राइव करके देखिए, बहुत हद तक चांस है कि ये जो आपका प्रॉब्लम है जर्क वाला झटके लेने वाली, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ये जो रहता है मिक्सर स्क्रू, ये आपका पायलट जेट को सेट करता है, और इस वीडियो में आपने एक नया चीज़ देखा कि अगर मेन जेट को सेट करना हो, इसके रेशियो को चेंज करना हो, तो कैसे ये चेंज किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आपके भी मोटरसाइकिल या स्कूटर में कभी इस तरह का प्रॉब्लम आया है झटके लेने वाली, जड़ का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपने उसे कैसे सॉल्व किया, क्या प्रॉब्लम था, स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम था, कार्बोरेटर का प्रॉब्लम था, वायरिंग का इशू था, या आपका कोई कॉइल डैमेज था या कॉइल वीक हो गया था, तो कैसे आपने उसे सॉल्व किया ये मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकॉन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।